दोस्तों, हम सभी जानते हैं महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच धर्म सत्ता प्रतिष्ठा का युद्ध था। इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे और उन्होंने अर्जुन को महान भगवत गीता सार बताया। हमारे शास्त्रों में गीता की महिमा का महत्व बताया गया है। शास्त्र कहते हैं कि गीता में मनुष्य के जीवन का सार निहित है। महाभारत से जुड़ी यह रोचक तथ्य जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। महाभारत को जया के रूप में जाना जाता था। बहुत समय पहले तक महाभारत को इस नाम से नहीं जाना जाता था। यह मूल रूप से जयम उसके बाद जया के रूप में जाना जाता था। मूल महाकाव्य को जया कहा जाता था, फिर इसे विजया, फिर भारत और अंत में महाभारत कहा जाता था। भारत ग्रंथ, इस ग्रंथ का रचना काल 3100 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। वेद व्यास के कहने पर शिष्ट वैशंपायन जी ने इस ग्रंथ को जन्मजय के यज्ञ समारोह में सुनाया था, तब इस ग्रंथ को भारत कहते थे। महाभारत श्लोक। जब महाभारत का नाम जयम उसके बाद जया था, तब उसमें लगभग 25,000 श्लोक थे, लेकिन जब इसका नाम महाभारत पड़ा तब 1,00,000 श्लोक थे। महाभारत युद्ध में 18 अंक का बहुत ही महत्व है। जैसे ऋषि वेद व्यास ने महाभारत ग्रंथ की रचना की जिसमें कुल 18 पर्व हैं। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, अश्वमेधिक पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, मौसल पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, स्वर्गारोहण पर्व तथा आश्रम वासिक पर्व। भागवत गीता में 18 अध्याय हैं और महाभारत पुस्तक में भी 18 अध्याय ही हैं। कृष्ण ने कुल 18 दिन तक अर्जुन को ज्ञान दिया, 18 दिन तक ही युद्ध चला। गीता में भी 18 अध्याय हैं। कौरवों और पांडवों की सेना भी कुल 18 अक्षोहिणी सेना थी, जिनमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षोहिणी सेना थी। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे। इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। सहदेव ने पिता के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए थे। सहदेव के धर्म पिता पांडु बहुत ही ज्ञानी थे। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके 5 बेटे उनके मृत शरीर को खाएं, ताकि उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है वे उनके पुत्रों में चला जाए। सिर्फ सहदेव ने ही हिम्मत दिखाकर पिता की इच्छा का पालन किया। उन्होंने पिता के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाने से वर्तमान का, और तीसरे टुकड़े को खाते ही वे भविष्य को देखने लगे। इस तरह वे त्रिकालज्ञ बन गए। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण के अलावा वो एकमात्र शख्स सहदेव ही था जिसे भविष्य में होने वाले महाभारत के युद्ध के बारे में संपूर्ण बातें पता थी। श्री कृष्ण को डर था कि कहीं सहदेव यह सब बातें औरों को न बता दे, इसलिए श्री कृष्ण ने सहदेव को श्राप दिया था कि यदि उसने ऐसा किया तो मृत्यु हो जाएगी। यह थे कुछ महाभारत से जुड़ी बातें जो आप शायद ही जानते होंगे, लेकिन अब भी महाभारत की कई घटनाओं और ज्ञान का रहस्य बरकरार है। कुछ ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।